हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, जैसे नारों से बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर गूंज उठा। यह आवाज थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं और कार्यकर्ताओं की। छात्रों के हितों की मांग को लेकर वे दोपहर में कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे थे, जहां गेट पर रोके जाने के बाद पुलिस और छात्रों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। हंगामे के बीच नारेबाजी भी हुई। छात्र यहां कलेक्टर को ज्ञापन देने पर अड़े रहे। करीब एक घंटे तक छात्र और पुलिस यहां से वहां भागती रही। इसके बाद छात्रों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा और फिर मामला शांत हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी छात्र हित की तीन मांगों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बुधवार दोपहर कलेक्टर मनीष सिंह को ज्ञापन देने पहुंचे थे। कलेक्ट्रेट के गेट पर ताला देख सैकड़ों की संख्या में जमा कार्यकर्ता आंदोलित हो गए। उन्होंने पुलिस से बैरिकेडिंग हटाने का आग्रह किया। इसके बाद उन्होंने झंडे बैनर के साथ नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते यहाँ काफ़ी गहमा गहमी हो गई। छात्र जहाँ भीतर जाने के लिए मशक्कत करने लगे, वहीं पुलिस उन्हें रोकने के लिए जोर लगाने लगी। देखते ही देखते बैरिकेडिंग इधर से उधर सरकने लगी। काफ़ी जद्दोजहद के बाद छात्र गेट के भीतर जाने में कामयाब हो पाए। गेट के भीतर पहुंचते ही उन्होंने मेन गेट की ओर दौड़ लगा दी। सभी ने मेन गेट पर ही कलेक्टर से मिलने की जिद पकड़कर धरना दे दिया। काफी समय तक हंगामा चला। इसके बाद कलेक्टर के बाहर होने का मैसेज मिलने पर छात्रों ने एडीएम पवन जैन को मांग पत्र सौंपा और जल्द से जल्द समाधान की मांग की। एबीवीपी के मालवा प्रांत महामंत्री घनश्याम चौहान ने कहा कि यदि छात्रों की समस्या का जल्द समाधान नहीं होता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कलेक्टर महोदय जिलाधीश महोदय को प्रदेश में और इंदौर शहर के जो छात्रों की छात्रवृत्ति आवास योजना की राशि वो जो छात्रावास प्रदेश में जो संचालित होते हैं शासकीय छात्रावास उनको ओपन खुलवाने के लिए अभी आज ज्ञापन दिया हम लोग। अभी एडीएम साहब ने आज हमको आश्वासन दिया कि कल शाम तक छात्रावास ओपन करवाने का आदेश वो जारी कर देंगे। अगर कल शाम तक छात्रावास ओपन नहीं करते तो परसों विद्यार्थी परिषद इंदौर में नहीं अपितु पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन के साथ ही छात्रावास खुलवाने की कोशिश करेंगे। देखिए विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता अनुशासन के साथ रहते तो यही सही है, पर अगर विद्यार्थी पढ़ाई करता है उसके साथ उसके हक की लड़ाई भी लड़ता है। आज जिस तरह से हमने गेट के बाहर रह के प्रशासन से निवेदन किया कि हमको अंदर जाने दें, हम अनुशासन से आए, अनुशासन के साथ अंदर जाएंगे, अगर वो नहीं कर पाए तो उसके साथ हमने थोड़ी सी अंदर बढ़ने की कोशिश की, उसमें थोड़ी सी नोकझोंक हुई। देखिए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया है जिसमें इंदौर शहर में संचालित हो रहे छात्रावास जो शासकीय छात्रावास है उनको प्रारंभ करने की मांग उन्होंने मुख्य रूप से रखी है। क्योंकि इसका निर्णय शासन स्तर से लिया जाना है इसलिए इनको अवगत करा दिया गया है। दूसरी इनकी मांग रही है कि सब जो बच्चे उनको छात्रवृत्ति और आवास भत्ते की राशि जो मिलती थी 19-20 की वो प्राप्त नहीं हुई है, तो शासन को इसके मांग के लिए लिखा गया है जितने भी बच्चे जिनकी पात्रता बनती है उनका यथाशीघ्र भुगतान किया जाएगा।